हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का क्लास टेंथ चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लेक्चर नंबर 3 में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम अपने इस लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इमेजेस के टाइप्स। और प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो इमेज कैसे बनती हैं, आज हम अपने इस लेक्चर में ये जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इमेजेस क्या होंगी, दो टाइप्स की होंगी। एक इमेज क्या होती है, रियल इमेज। एक क्या होती है, वर्चुअल इमेज। एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो स्टूडेंट, रियल इमेज क्या होती है, सबसे पहले कोई भी जो इमेज होती है वो कैसे बनती है, ठीक है। तो इमेज कैसे बनती है, कहाँ बनती है, जैसे अपने पास ये पेन है, इस पेन की इमेज अपनी आई में बन रही है, तो क्या होता है, लाइट आती है, ठीक है, इससे टकराती है। टकराने मतलब यहाँ क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, वो रिफ्लेक्टेड रे हमारी आँख में जाती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ जाती है वहीं पर क्या होती है, इमेज बनती है, ठीक है। और वो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं कई बार एक्चुअली मीट करेंगे एक पॉइंट के ऊपर, और कई बार अपीयर टू मीट होंगी किसी पॉइंट पर, यानी कभी मीट करेंगी और कभी किसी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी। जब वो एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पर मीट करेंगी तो हम बोलेंगे रियल इमेज बनती है, ठीक है। और कभी वो जो रिफ्लेक्टेड रे बनती हैं वो एक्चुअली किसी एक पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी तो हम क्या बोलेंगे, वो जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, वर्चुअल इमेज। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है इसमें, वहन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज मीट एक्चुअली एट ए पॉइंट, जब दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी तो हम क्या बोलेंगे, उनके मिलने से क्या हुई है, रियल इमेज बनी है। इसमें क्या होंगी, डू नॉट मीट एक्चुअली। इस केस में क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो एक्चुअली आपस में मीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कोई भी जो दो रे हैं वो आपस में कब मिलेंगी, तो आंसर क्या है, कब मिलेंगी, जब जो रिफ्लेक्टेड रे अपने पास हो, रिफ्लेक्टेड रेज, वो स्टूडेंट कैसी हो, कन्वर्जिंग हो। जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो कैसी हो, कन्वर्जिंग हो, ठीक है, यानी वो ऐसे जा रही होंगी और यहाँ जाके मिल जाएंगे, कन्वर्जिंग रे हो, ठीक है। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे आएंगी, रिफ्लेक्टेड रेज, वो स्टूडेंट कैसी होंगी, डाइवर्जिंग होंगी। क्या होंगी, डाइवर्जिंग, ठीक है। तो जब भी रिफ्लेक्टेड रे हमें देखने को मिले कन्वर्जिंग, तो ध्यान रखना हमेशा जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल। और यदि वो डाइवर्जिंग रे है, वो क्या है, वो डाइवर्जिंग रे ऐसे चौड़ी होती जा रही है, तो उनसे क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज, ठीक है। जो रियल इमेज होती स्टूडेंट वो हमेशा कैसी होती है, तो आंसर क्या है, इन्वर्टेड होती है। जो रियल इमेज है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ये था, जब इससे रियल इमेज बनेगी तो रियल इमेज ऐसे बनेगी, यानी जो हिस्सा ऊपर होगा वो हमें नीचे दिखाई देगा और जो हिस्सा नीचे था वो हमें ऊपर दिखाई देगा, उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। और जो वर्चुअल इमेज होती है स्टूडेंट वो हमेशा क्या बनेगी, इरेक्ट, erect, इरेक्ट, मतलब सीधी बनेगी। यदि ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसका ऊपर वाला हिस्सा में ऊपर दिखाई देगा, नीचे वाला हिस्सा में नीचे ही दिखाई देगा, सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो रियल इमेज होती है उसको हम स्क्रीन के ऊपर बना सकते हैं, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। जो रियल इमेज होती है इसको हम स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर इसको बना सकते हैं, इसको ला सकते हैं, और इसको डू नॉट या डज नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन,
इसको स्क्रीन के ऊपर नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे आप लोगों ने क्या किया होगा, मेले में कभी गए होंगे तो वो लेंस लेके आए होंगे, कुछ इस टाइप्स का लेंस है ना। और क्या किया होगा, लेंस लिया होगा और नीचे एक पेपर लिया होगा, उस पेपर के ऊपर ऐसे लेंस रखा होगा, और लेंस को रखने से क्या हुआ होगा कि सन से जो रे आई उसकी इमेज एक पर्टिकुलर जगह पे बनती है, ठीक है। तो वो थोड़े टाइम के बाद जिस जगह पे बनती है वो इमेज, वो क्या हो जाता है, गर्म। गर्म होने से क्या जाती है, वो इमेज, वो जो पॉइंट है उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो हमने क्या किया, ऐसे लेंस लगाने से ये जो पेपर था ये क्या करता है, एज ए स्क्रीन का काम करता है। तो क्या किया हमने, जो सन की इमेज थी वो कहाँ बना दी, कहाँ बना दी हमने, उस पेपर के ऊपर बना दी। तो जो रियल इमेज होती है वो हमेशा कहाँ बनती है, पेपर के ऊपर यानी स्क्रीन के ऊपर बनती है, और जो वर्चुअल इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती है, ठीक है। अब बात आती है कि जो स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनती है रियल इमेज, इसको कौन कौन बना सकता है, कौन कौन इसको बना सकता है, ठीक है। तो अपने पास स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, यदि हम बात करें रिफ्लेक्टेड रे, यानी रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, मिरर वाले केस में। तो मिरर जो है वो कौन कौन से बना सकते हैं रियल इमेज, तो एक ही मिरर है जो रियल इमेज बनाएगा, वो कौन है, कॉनकेव मिरर। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जो कॉनकेव मिरर है यही क्या करता है, इमेज को बनाता है रियल, ठीक है। और यदि हम लेंस की बात करें, लेंस वाले केस में क्या होगा, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे की जगह क्या जगह, रिफ्रैक्टेड रे। और लेंस जो होगा वो होता है कॉनवेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस भी क्या करेगा, रियल इमेज बनाएगा, क्या बनाएगा, रियल इमेज, ओके। बात करते हैं वर्चुअल इमेज, तो जो वर्चुअल इमेज है वो कौन कौन बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिरर की, तो मिरर में सबसे पहले आएगा प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। दूसरा बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो भी क्या करेगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। यदि हम बात करें लेंस की, तो लेंस अपने पास आएगा कॉनकेव लेंस, कौन आएगा, कॉनकेव लेंस। हालांकि ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉनवेक्स लेंस है, ये भी क्या करेंगे, वर्चुअल इमेज बना सकते हैं, वर्चुअल इमेज बना सकते हैं, कि जो कॉनकेव मिरर है और कॉनवेक्स मिरर है, कॉनवेक्स लेंस है, ये भी क्या करते हैं, रियल इमेज बनाएंगे, ठीक है। रियल तो बनाते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस आएंगी तब ये क्या करेंगे, वर्चुअल इमेज बनाएंगे। हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में रखा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल। लेंस वाला केस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, बिटवीन ओ एंड एफ, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी वर्चुअल इमेज बना सकती हैं, ठीक है, लेकिन दो ही चीज़ें हैं जो रियल इमेज बनाती है, कौन है, कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है कब, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो, पी और एफ के बीच में, पी को हम बोलते हैं पोल, एफ को बोलते हैं हम फोकस, प्रिंसिपल फोकस। कॉनवेक्स लेंस क्या करता है, वो भी क्या करता है, रियल वर्चुअल इमेज बनाता है, एक ही कंडीशन पर बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो, ठीक स्टूडेंट। तो ये यदि अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर के दृष्टि से हमें ध्यान रखना है, पेपर में बहुत बार आता भी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कॉनवेक्स मिरर और प्लेन मिरर और कॉनकेव लेंस, ये क्या करेंगे, हमेशा वर्चुअल लेंस बनाएंगे। और कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स लेंस सिर्फ स्पेशल कंडीशंस आएंगी तभी क्या करेंगे, वो वर्चुअल इमेज बनाएंगे, ओके। इतना डिस्कस करने के बाद देखिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में, किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर से स्टूडेंट इमेज बनाएंगे,
क्या करेंगे, इमेज। देखो स्टूडेंट, प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनेगी। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, यानी बिल्कुल छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा। देखिए स्टूडेंट, तो प्लेन मिरर क्या होता है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल स्पाट हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। अच्छा, जो मिरर जो होता है उसके पीछे हम ऐसे छोटी छोटी लाइनें करके दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो सामने वाला जो पार्ट होगा, यही क्या होगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो आगे वाला जो पार्ट होता है, वही क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। तो स्टूडेंट, ये अपने पास क्या होता है, प्लेन मिरर, ठीक है। और मान लो ये अपना क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अपना क्या रहेगा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा। देखिए भाई, मान लो एक रे ऐसे जाती है, एक रे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हमने क्या किया, ये ड्रा किया हमने नॉर्मल, हमने क्या ड्रा किया, ये नॉर्मल। ये वाला एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना ही एंगल ड्रा करेंगे ऊपर की तरफ, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक मान लो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे जा रही है, इंसिडेंट रे, क्या है ये, इंसिडेंट रे। ये वाला जो पॉइंट हो गया, क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमने ड्रा किया नॉर्मल, तो ये अपने पास क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी आएगा, इतना ही एंगल ड्रा करेंगे नीचे की तरफ, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये ऐसी चली जाएगी ऐसे। तो देखो फ्रेंड, अपने पास फिलहाल क्या है, एक जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली ऐसे जा रही है, एक जो रिफ्लेक्टेड रे है ऐसे जा रही है। तो फ्रेंड, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये हमें कैसे देखने को मिलती है, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, तो आंसर क्या है, ये डाइवर्जिंग है, ऐसे फैलती हुई जा रही है। और जब रिफ्लेक्टेड रे कैसी होती है, डाइवर्जिंग होती है, तो उनसे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल। और वर्चुअल में कैसे बनाएंगे, कि इन दोनों जो रे को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। भाई सामने वाली साइड तो मिलने वाली है नहीं, इसलिए क्या करेंगे, इनको पीछे वाली साइड मिलाएंगे, ऐसे ऐसे डॉटेड में मिलाना है इनको ऐसे। ऐसे क्या करेंगे, डॉटेड में मिलाएंगे, तो जहां ये डॉट जाके मिल जाएंगी वहीं पर क्या होगी, इमेज बनेगी, वहीं पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। अब हमने इमेज बना दी, इमेज वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी, कि जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो कैसे देखने को मिलेंगे हमें, डाइवर्जिंग, तो उन्हें क्या करना है, पीछे की तरफ ऐसे मिला देना है, ऐसे यहाँ मिल गए, तो यहीं पर क्या होगी, उसकी इमेज बनेगी, ठीक है। अब स्टूडेंट, इस इमेज के बारे में यदि हम डिस्कस करें, ठीक है, तो स्टूडेंट जब हम ये वाला डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो मिरर से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, उसके बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये अपने पास क्या आएगी, इमेज डिस्टेंस, मिरर यहाँ है, इमेज यहाँ है, इसे क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले तो भाई एक बात हमने बोली कि इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, कैसी बनेगी, वर्चुअल। दूसरी बात कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मैंने बोला कि जो वर्चुअल इमेज होती कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तीसरी बात, यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं। इतनी बात हमने यहाँ से देखी। यदि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होके कुछ फाइनाइट लेंथ का ऑब्जेक्ट हो, फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है, तब हम कैसे बनाएंगे इसकी इमेज, ठीक है। देख स्टूडेंट, ये अपने पास कौन हो गया, प्लेन मिरर, कौन हो गया, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। और स्टूडेंट ये अपने पास कौन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ए
बी, ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से रे लेके जाते हैं, ठीक है, एक रे हम लेके ऐसे सीधी, तो स्टूडेंट ये कौन सा केस हो गया, नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस हो गया। जब नॉर्मल इंसिडेंस का केस होता है तो उस केस में क्या होता है, रे जैसे जाती है उसी रास्ते से वो वापस जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये हमने एक रे ऐसे ले गए भाई, एक रे ऐसे ले गए, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें पता है कहाँ जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, रिफ्लेक्शन के ला लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो ओ ए पॉइंट है इसकी इमेज कहाँ दिखाई देगी, देखिए स्टूडेंट ये ऐसे रिफ्लेक्टेड रे, ये ऐसे रिफ्लेक्टेड रे, तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये दोबारा से कैसी है, डाइवर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग रे से इमेज कैसे बनाएंगे, इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करके जहाँ ये मिलेंगी इनको वहीं पर मिला देना है, ठीक है। तो जो ए पॉइंट था, इस ए पॉइंट हमें यहाँ दिखाई देगा ए डैश पॉइंट पर, ठीक है। अब देखते हैं कि बी पॉइंट कहाँ दिखाई देगा, तो बी पॉइंट से ए करे ये ऐसे चली गई, ये भी क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस, बिल्कुल सीधी गई है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगी वापस उसी रास्ते से, नॉर्मल इंसिडेंस वाले केस में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद यहाँ से एक रे मान लो ये वाली गई, ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी, ऐसे नीचे की तरफ जाएगी, चली जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, एक ये वाली कौन है, रिफ्लेक्टेड रे, एक ये वाली कौन है, रिफ्लेक्टेड रे, एक बिल्कुल सीधी जा रही है, एक ऐसे नीचे तरफ जा रही है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। जब डिस्टेंस बढ़े इसका मतलब क्या है, वो जो रे है वो कैसी है, डाइवर्जिंग, ठीक है। तो इन डाइवर्जिंग रे को हमने मिलाया पीछे की तरफ ऐसे, ठीक है, तो जहां जाके मिलेंगी इनको वहीं पर इनको मिला देना है, ऐसे मिल जाएंगे। यानी जो बी पॉइंट है उस बी पॉइंट की इमेज कहां दिखेगी, इस बी डैश पॉइंट पर, बी डैश पॉइंट पर, ठीक है। और ए के नीचे जस्ट बी होता है, तो यहां पर देखते हैं ए के नीचे ही कौन आता है, बी आता है, कौन आता है, बी, ठीक है। यानी जितना दूर ये है उतना दूर ही ये है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वहीं क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वहीं कितना होगा, इमेज डिस्टेंस। जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। तो स्टूडेंट ये अपना कौन है, ऑब्जेक्ट है, और ये अपनी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, क्या बनेगी, इमेज, ठीक है। अब इस इमेज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इमेज कैसी बनेगी। एक बात तो हमें समझ में आई इस इमेज की प्रॉपर्टी के बारे में कि इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी, ठीक, क्यों होगी, क्योंकि ए ऊपर है तो ए ऊपर ही दिखता है, ठीक है। दूसरा, ये जो रे हैं ये कैसी हैं, डाइवर्जिंग है, रिफ्लेक्टेड रे, इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल है। तीसरी बात, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यानी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, बराबर। जितना इमेज, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही क्या आएगा, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। टेंथ क्लास के लिए हमें प्रूव नहीं करना, हम प्लस टू क्लास में इसको प्रूव कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कैसे बराबर आते हैं। वैसे भी ज्योमेट्री का यूज करेंगे तो हम यहाँ से पा लेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या आएंगे, बराबर। उसके बाद देखो साइज, इतना साइज है, इस ए के सामने ही ए की इमेज बनती है, बी के सामने ही बी की इमेज बनती है, इसका मतलब ये वाला साइज और ये वाला साइज दोनों बराबर है। इसका मतलब इमेज जो साइज आएगा, इमेज साइज, वो ऑब्जेक्ट साइज के बराबर आएगा, ऑब्जेक्ट साइज के बराबर आएगा, चलो ठीक है। इसके बाद यदि हम ये वाले ऑब्जेक्ट को हम इस साइड मूव कराएं सामने की तरफ, ठीक है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा कहाँ आएगा, मिरर की तरफ। इस ऑब्जेक्ट को यदि हम लेके जाएं मिरर की तरफ तो इमेज भी कहाँ आएगी, मिरर की तरफ। अच्छा, उसके बाद
यदि हम क्या करें, इस ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएं, तो क्या देखते हैं, ये जो इमेज है ये भी कहाँ जाती है, दूर जाती है। कहाँ जाएगी, दूर चली जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव करता है टुवार्ड्स या फिर अवे फ्रॉम मिरर। ऑब्जेक्ट मूव करता है मिरर की तरफ या मिरर से दूर, तो इमेज भी उसी के हिसाब से जाएगी। इमेज भी टुवार्ड्स जा रहा है तो टुवार्ड्स जाएगी, और अवे जा रहा है तो अवे जाएगी मिरर से। ठीक है, ये मान लो अपने पास इमेज है, ये अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये ऐसे चली जाएगी, इसको दूर लेके जाएंगे तो ये दूर चली जाएगी। ठीक है, ओके, इतना हो गया। ठीक है, अब अपने पास एक टर्म आती है, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन है ये क्या होता है कि इमेज जो बनी वो कितना टाइम्स बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट के साइज का। इमेज जो बनती है वो ऑब्जेक्ट के साइज का कितना टाइम्स बड़ी बनी। जैसे भाई मान लो जो ऑब्जेक्ट था वो 5 सेंटीमीटर का था, इमेज बनी 20 सेंटीमीटर की, तो कितना गुना होगी, 4 गुना होगी। कितना गुना होगी, 4 टाइम्स होगी। तो ये 4 क्या है, मैग्निफिकेशन। तो इमेज 5 सेंटीमीटर की है, ऑब्जेक्ट साइज भी कितना है, 5 सेंटीमीटर का, तो इमेज कितना टाइम्स बनी, 1 टाइम्स। तो उस 1 टाइम्स को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। जो मैग्निफिकेशन आता है प्लेन मिरर से वो कितना आता है, 1। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और हम आगे देखेंगे जो मैग्निफिकेशन है इसका साइन प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा। तो यदि इमेज बनती है वर्चुअल तो हम लिखेंगे +1, और इमेज बनती है नेगेटिव वर्चुअल तो प्लस लिखेंगे, इमेज बनती है रियल तो माइनस लिखेंगे। इमेज बनती है वर्चुअल तो मैग्निफिकेशन लिखेंगे प्लस का, इमेज बनती है रियल तो मैग्निफिकेशन लिखेंगे माइनस का। तो यहाँ तो वर्चुअल बनती है तो प्लस का लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यदि हम लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं तो मिरर में क्या दिखेगा, राइट हैंड ऊपर दिखेगा। यानी लेफ्ट वाली चीज़ राइट में दिखेगी और राइट वाली चीज़ लेफ्ट में दिखेगी, जिसको क्या बोलते हैं, लैटरली इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, एक दो बातें और देख लेते हैं हम प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, कि जो रेडियस जो होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर के लिए वो कितनी होती है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, कोई प्लेन सरफेस होता है उसकी रेडियस कितनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, इसी प्रकार एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे फोकल लेंथ। अपने पास एक टर्म आएगी, ठीक है, तो फोकल लेंथ जो होती है प्लेन मिरर के लिए वो भी कितनी होती है, इन्फिनिटी। क्यों होती है, क्योंकि हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ, तो वहाँ पर जो रिलेशन आती है वो क्या आती है, f = r/2। ठीक है, मिरर के लिए क्या आएगा, f = r/2। तो ये इन्फिनिटी है तो ये भी कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो फ्रेंड इतनी सारी बातें आप लोग को इस प्लेन मिरर के बारे में ध्यान रखनी है कि प्लेन मिरर से हम इमेज कैसे बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम दोनों पॉइंट साइज के लिए और एक फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए, उनकी प्रॉपर्टीज ध्यान रखना हमें। ठीक स्टूडेंट, और मैग्निफिकेशन कितना आएगा, +1। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज आएगी, ठीक है, इन्फिनिटी आएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ भी कितनी आएगी, इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, f = r/2। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्लेन मिरर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड थैंक यू वेरी मच।